कल का जो माहौल था, शायद उत्तरकाशी में पहली बार ऐसा माहौल हुआ है, इसको देखते हुए हमने खुद ही अपने स्तर से नमाज में ना आने की सबको अपील की है कि आज जुमे के दिन कोई नमाज में ना आए, क्योंकि ये हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं ये कहीं किसी के संग कोई बदतमीजी ना करें। कल जैसा कि आपको पता है ये पथराव भी हुआ है, पुलिस वालों पे भी पथराव हुआ है, तो इसकी सुरक्षा के देखते हुए और माहौल शांत होने की वजह से हमने यहाँ पर जो है नमाज की याद खुद ही अपना मना कर दिया। मतलब 70 साल पुरानी है और तब से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत करते हुए चले आ रहे हैं। विवाद इसमें लोक सूचनाधिकारी ने एक छोटी सी गलती करी, जिसमें उन्होंने ये बताया सत्येंद्र सिंह परमार को कि ये ज़मीन अवैध या नजूल भूमि पट्टे या सरकारी भूमि अभिलेख दर्ज नहीं है। उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा कि ये भूमिधरों की जमीन में। हम इस समय मौजूद हैं उत्तरकाशी की उसी मस्जिद के सामने जहां पर आज पुलिस बल लगा दिया गया है। इसकी वजह जानने के लिए कल जब हिंदू संगठनों ने एक विवाद उत्पन्न किया, विवाद इतना बढ़ गया कि आज प्रशासन ने उसकी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए दफा धारा 163 BNSS भी लागू कर दी है, यानी 5 लोगों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठे होने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। देखिए, मैं पहले पीछे मस्जिद की सुरक्षा की बात करते हैं, तो देखिए सुरक्षा में पुलिस बल लगा दिया गया है, पुलिस बल तैनात है। और जैसे कि हिंदू संगठनों ने आज जैसा चेतावनी दी है, जो दर्शन भारती हैं, हिंदू नेता हैं, उन्होंने सीधे रूप से चेतावनी देते हुए ये कहा है कि आज नमाज अदा नहीं होने देंगे। आज अगर नमाज अदा होती है इस जगह पर तो वो इसका पूरा विरोध भी करेंगे। ऐसे में मुस्लिम पक्ष क्या कहता है, वहीं सरकार की अगर हम बात करें, जिलाधिकारी की बात करें, तो जिलाधिकारी ने इस जमीन को पूरी तरह से वैध बताया है। वहीं हिंदू पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि जब इस जमीन को बेचा गया था, जिस आयोजन के लिए बेचा गया था, उस आयोजन में ये ऐसा नहीं बताया गया था कि यह मस्जिद बनाई जाएगी। मेरे साथ यहाँ पे मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या है पूरा विवाद, आखिर आज जैसे नमाज नहीं करने की चेतावनी दी गई है, ऐसे में आप क्या करेंगे? अभी नमाज नहीं करने की जो चेतावनी दी गई है, ये चेतावनी हम तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन कल का जो माहौल था, शायद उत्तरकाशी में पहली बार ऐसा माहौल हुआ है, इसको देखते हुए हमने खुद ही अपने स्तर से नमाज में ना आने की सबको अपील की है कि आज जुमे के दिन कोई नमाज में ना आए, क्योंकि ये हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं ये कहीं किसी के संग कोई बदतमीजी ना करें। कल जैसा कि आपको पता है ये पथराव भी हुआ है, पुलिस वालों पे भी पथराव हुआ है, तो इसकी सुरक्षा के देखते हुए और माहौल शांत होने की वजह से हमने यहाँ पर जो है नमाज के लिए आज खुद ही अपना मना कर दिया लोगों को। अच्छा, नमाज के लिए मना कर दिया, आखिर कब तक ऐसा रहेगा? अगर ये विरोध जारी रहेगा तो कब तक आज नमाज नहीं पढ़ेंगे? नहीं, नमाज तो पढ़ेंगे, ये तो हमारी मस्जिद में जो है 70 सालों से जो है नमाज पढ़ी जा रही है, और कोई आज तक किसी किस्म का कोई इसमें हमारी तरफ से भी कोई इसमें गलती नहीं की गई है, बिल्कुल साफ और मोहब्बत के संग यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। वो तो आज इस वजह से कि कल ही जो एक नई नई घटना हुई है यहाँ पर, इसको देखते हुए कि शहर का शांत वातावरण शांति रहे, इसलिए आज नमाज ना पढ़ने की अपील की गई है। बाकी अगले जुमे में नमाज पढ़ेंगे और लगातार इसमें नमाज पढ़ते आएंगे। विवाद क्या है, छोटे कम शब्दों में बताइए, दर्शक सुनना चाहते हैं कि विवाद क्या है? विवाद सर कुछ नहीं है, मस्जिद तो यहाँ पर 70 साल पुरानी है और तब से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत करते हुए चले आ रहे हैं। विवाद इसमें लोक सूचनाधिकारी ने एक छोटी सी गलती करी, जिसमें उन्होंने ये बताया सत्येंद्र सिंह परमार को कि ये जमीन अवैध या नजूल भूमि पट्टे या सरकारी भूमि अभिलेख दर्ज नहीं है। उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा कि ये भूमिधरों की जमीन में। उसके बाद उन्होंने दोबारा लोक सूचना अधिकारी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है कि ये भूमिधरों की जमीन में, लेकिन कुछ संगठन के लोग इसको मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, जबकि ये भूमिधरों की जमीन पे। ठीक है, देखिए विवाद जो सामने निकल के आता है, हिंदू पक्ष लगातार जिस बात को सामने लेकर आ रहे हैं कि एक सूचना के अधिकार में उन्होंने इस जमीन की स्थिति पूछी थी, जिसमें स्थिति में सीधे रूप से ये बताया गया था सूचना अधिकारी द्वारा कि ये किसी भी तरह से नजूल भूमि पे नहीं है, कोई सरकारी जमीन पे नहीं है और ना ही किसी और जमीन पर है। तो इसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार विवाद करने पे उतर गया कि आखिर इस जमीन पे जब कोई इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है तो मस्जिद कैसे बन गई। विवाद इसको लेकर इतना बरपा कि आज दफा 144 यानी आज की जो धारा है वो 163 में तब्दील हो गई है, उसमें सीधे रूप से सुरक्षा बल तैनात है। और आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि ये जो माहौल बिगड़ा हुआ है वो कैसे शांत हो पाता है।
कल हुए उत्तरकाशी में भारी विवाद के बाद आज उत्तरकाशी का स्थिति मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं। देखिए ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है, ये मस्जिद को जाने वाला रास्ता है और जहां पर आज हिंदू संगठनों ने सीधे रूप से कह दिया है कि आज शुक्रवार है और आज नमाज अदा नहीं होने देंगे, जिसको लेकर प्रशासन सजग है, पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए मैं आपको ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक दिखा रहा हूं कि आखिर क्या स्थिति है। प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, यहां पे पुलिस प्रशासन मौके पे चप्पे पर मौजूद है। और देखिए धारा एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 जो पूर्व में धारा 144 में कही जाती थी उसके द्वारा लगा दी गई है। और यहाँ मौके की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन सजग स्थिति में है, पुलिस यहाँ मौजूद है कि किसी भी तरह से मौके पर कोई विवाद उत्पन्न ना हो। मौके पे जैसे कि कल आप यहाँ की स्थिति देख पा रहे थे कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, इकट्ठा होने के बाद इतना विवाद हुआ कि पथराव हुआ, पुलिस को बचाव के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। और उसके बाद जो विवाद की स्थिति देखी वो सबने देखी। और यहाँ जो स्थिति है ग्राउंड जीरो से आज मौके पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मौजूद रहने के साथ आप देख सकते हैं शहर खुला हुआ है लेकिन पुलिस चप्पे पे मौजूद है। यहाँ चौराहे पे आप देख सकते हैं कि SDM साहब यहाँ पे मौजूद हैं, DM अभी कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। पूरे स्थिति अगर मैं बात करूँ, सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ, तो पूरी तरह से पुलिस जो है पूरी चौकन्नी है। और आज जैसे कि नमाज अदा करने की चेतावनी दी गई थी हिंदू संगठनों द्वारा, अभी हमारी बात हुई है कि मुस्लिम पक्ष ने अपने आप ही इस बात को मना कर दिया है कि माहौल ना खराब हो। उन्होंने आज नमाज अदा करने से, मस्जिद में आने से लोगों को हिदायत दी है कि यहाँ पर आप ना आए। आने वाले समय में देखने वाली स्थिति ये होगी कि ये जो विवाद है कब तक ऐसे ही बढ़ता रहता है और कब इस पर आकर लगाम लग पाती है। मस्जिद विवाद के चलते उत्तरकाशी में आज पूरी तरह से बाजार को बंद भी रखा गया है। वहीं सरकार की तरफ से धारा 144 भी लागू की गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार उत्तरकाशी का किस तरह से बंद रखा गया है। विरोध पूरी तरह से जारी है कि आखिर मस्जिद का निर्माण कैसे किया गया। लगातार इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। जिस उपलक्ष्य में जमीन दी गई थी उस उपलक्ष्य में वहाँ पर घर बनाने और खेती करने के लिए जमीन दी गई थी उसमें मस्जिद बना दी गई, ऐसा आरोप हिंदू पक्ष लगातार जारी कर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो धारा 144 लगी हुई है जो कि अब नई धारा 163 में तब्दील है। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन चप्पे पर मौजूद है, लगातार यहाँ पर किसी तरह से कोई बड़ी घटना ना हो जाए आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है लेकिन मौके की अगर मैं स्थिति कहूं तो ग्राउंड जीरो से तो यहां अभी भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधे रूप से कहना है कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इस पर प्रशासन कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता। कैमरा